हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाउ टू से इन इंग्लिश, ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे कहें। जैसे आप अपने काम से काम क्यों नहीं रहते हो, अपने काम से काम रखो, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तो ऐसे वाक हमें अपने डेली लाइफ में सुनने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। तो देखिए, माइंड योर ओन बिजनेस, इसके मीन्स होता है अपने काम से काम रहना या रखना। तो यहाँ स्ट्रक्चर लिखा गया है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद माइंड योर ओन बिजनेस लिखेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव योर है, इसमें परिवर्तन होगा। तो देखिए, अपने काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। अगला भाग देखिए, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रहती हो, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रहती हो, वाई डोंट माइंड योर ओन बिजनेस, वाई डोंट माइंड योर ओन बिजनेस। अगला भाग देखिए, मैं हमेशा अपने काम से काम रखता हूँ, मैं हमेशा अपने काम से काम रखता हूँ, आई ऑलवेज माइंड माई ओन बिजनेस। तो गाइड देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, इसलिए यहाँ पर माई लिखा गया है। अगला भाग देखिए, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए, यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस, यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसे वाक कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाएगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको समझ में आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर हम लोग नए नए एडवांस इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते लिखते सीखते हुए चलेंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।